हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रत्नाकर स्टडी कॉर्नर। माय नेम इज़ अमित रत्नाकर और आज हम लोग क्लास टेंथ के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का सेकंड पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे आगे तक वहाँ पढ़ चुके हैं हम कि अब वो अपनी डायरी लिखनी स्टार्ट कर रही है और डायरी का नाम उसने किटी रखा है। तो अब चलिए इसको आगे शुरू करते हैं। सैटरडे 20 जून 1942, ये वो डेट है जब उसने डायरी लिखने स्टार्ट किया एन फ्रैंक ने। तो डियरेस्ट किटी, किटी उसने अपने डायरी का नाम लिखा था, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट किटी, और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब है डर से या नर्वसनेस से कांपना। तो अब उसको बता रही है वो डियरेस्ट किटी करके कि हमारी पूरी क्लास जो थी वो आज डर से कांप रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और इसका रीज़न क्या था, वो था कि फोर्थ कमिंग मीटिंग का मतलब होता आने वाली मीटिंग, जिसमें कि टीचर्स लोग ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन उसी क्लास में रहेगा। तो होता ही है जब रिजल्ट आने वाला होता है तो बच्चे नर्वस होते हैं, तो ऐसे ही ये लोग नर्वस थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, लगभग आधी क्लास तो शर्त ही लगा रही थी। जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम जी एन है, इसने शॉर्ट में लिख रखा है। तो जी एन और मैं खूब हंसे, और किस बात से हंसे, क्योंकि हमारे पीछे जो दो बॉय थे सी एन एंड जैक्स हु हैव स्टॉक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड्स। तो इनकी सीट के पीछे दो लड़के बैठते थे, एक का नाम है सी एन और एक का नाम है जैक्स। उन लोगों ने क्या किया, अपनी जो हॉलीडेज में जितनी भी सेविंग की थी वो पूरी सेविंग की उन लोगों ने बैट लगा ली, पूरी सेविंग की उन लोगों ने शर्त लगा ली। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर गोइंग, नो आई एम नॉट। तो पूरे सुबह से शाम तक क्या बोल रहा था, चल रहा था, वो दोनों सिर्फ यही बात करने में लगे रहते थे कि तुम पास हो जाओगे। तो दूसरा वाला कहता था नहीं यार मैं तो नहीं हो पाऊँगा, तो कहता था नहीं नहीं हो जाओगे तुम पास। तो फिर से वो कहता था दूसरा वाला कि नहीं मैं पास नहीं हो पाऊँगा। तो इस तरह से ही बातें चलती रहती थी, मतलब एक दूसरे के ऊपर वेट लगा रहे थे, दूसरे से कह रहे थे कि तुम पास हो जाओगे। इवन जीस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि जो जी था उसने एकदम प्लीडिंग ग्लांस के, ग्लांस का मतलब होता है देखना, तो उसने एक रिक्वेस्ट के तरफ से देखते हुए कहा उसे, प्लीडिंग का मतलब रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के रूप में उसे देखते हुए कहा उससे कि भाई मान जाओ, तो भी नहीं माने वो लोग। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैं तो एकदम उन पर चिल्ला ही पड़ी थी, तभी भी वो लोग शांत नहीं हुए, तभी भी वो अपने जो बातें कर रहे थे वो करते रहे, जो शर्त लगाई थी उन्होंने उसके बारे में ही बातें करने लगे कि नहीं तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, ऐसे ही चलता रहा। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो वो कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछें तो हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा डमीज हैं। तो डमीज का मतलब रहता है, वैसे तो इसका मतलब रहता है कि किसी चीज़ का प्रतिरूप, हैविंग द अपीयरेंस ऑफ बीइंग रियल बट नॉट लैकिंग कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल जैसा दिखे लेकिन वो असली की तरह काम करने में समर्थ ना हो, उसे डमी कहते हैं। और इसका एक और मतलब जो होता है वो मूर्ख भी होता है। अब इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनका मेन काम है कि वह स्कूल में जाएँ, पढ़ाई करें, सीखें, होमवर्क करें, लेकिन वो नहीं करते, वो बस वहाँ जाके डमी जैसे बन के वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो उनके बारे में ही कह रही कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डमीज है हमारी क्लास में, और मेरे हिसाब से लगभग क्वार्टर ऑफ द क्लास को फेल कर देना चाहिए। क्वार्टर मतलब 25%, तो 25% लोगों को फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर्स लोग होते हैं वो तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल प्राणी हैं। जो भी दुनिया में अर्थ पे जितने भी ज़्यादा प्राणी होते हैं, टीचर्स उनमें सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, उनका कोई भरोसा नहीं है वो किसको पास करें किसको फेल करें। इसी वजह से ये सारे ही लोग थोड़े से चिंतित थे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपनी सहेलियों के लिए तो ज़्यादा चिंतित नहीं थी, एंड माई सेल्फ, और ना ही अपने लिए चिंतित थी।
We will make it the only subject I'm sure about in maths. तो कह रही कि मुझे उम्मीद थी कि हम तो पास हो ही जाएंगे, मैं भी पास हो जाऊंगी, मेरी सहेली भी पास हो जाएगी. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ. और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, और वो था मैथ. एक थोड़ा सा नॉर्मली ऐसा माना भी जाता है कि लड़कियां जो हैं वो मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बस एक क्या कह कह सकते हैं इसको, एक थोड़ा सा मन में बना रखा है लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं मैथ्स में, ठीक है. तो लेकिन ये अपने आप को डाउट कर रही है मैथ्स में कि मुझे मैथ में ही थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, बाकी तो मैं पास हो जाऊंगी, मैं भी पास हो जाऊंगी, मेरी सहेलियां पास हो जाएंगी. एनीवे वी कैन डू इज वेट. तो कह रही है कि एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता. अंटिल देन वी कैप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. और तब तक हम एक दूसरे को सिर्फ इतना ही कहते थे कि दिल छोटा मत करो, उम्मीद मत खो, तुम पास हो जाओगे, इस तरह से एक दूसरे को हम लोग कह रहे थे. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. और मैं तो लगभग जितने भी टीचर्स थे सबसे ही मेरी अच्छी बनती थी. देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन. हमारे यहाँ पे 9 टीचर्स थे, 7 मैन थे और 2 वुमेन थे. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स. ओल्ड फॉगी का मतलब है कि जो ओल्ड फैशन लोग जो रहते हैं, मतलब पुराने विचारों वाले लोग जो होते हैं, उसको ओल्ड फॉगी कहा जाता है. तो मिस्टर कीजिंग थे, वो एक पुराने विचार वाले थे और वो मैथ पढ़ाते थे. वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा टाइम से एकदम अनॉयड रहते थे, एकदम परेशान रहते थे मुझसे. और क्यों परेशान रहते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी. वो ओल्ड फैशन टीचर थे, वो नहीं चाहते थे कि बच्चे क्लास में बात करें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए वो मुझसे परेशान रहते थे. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. और काफ़ी सारी वार्निंग्स देने के बाद, सेवरल मतलब काफ़ी सारी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट किया. एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. तो उन्होंने मुझे एक एसे लिखने को दिया, और वो सब्जेक्ट क्या था उसका, अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब रहता है बातूनी. तो देखिए मैथ वाले टीचर इसके बोलने से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने इसको एक एसे लिखने को दे दिया, जबकि मैथ में तो ऐसे होता नहीं है. मैथ में तो क्या होता है कि भाई आप सवाल दे दो कुछ, है ना, लेकिन वो इतने परेशान हो चुके हैं, उन्होंने एसे लिखने को दे दिया, और वो भी चैटर बॉक्स पे, बातूनी लड़की पे दे दिया. बातूनी मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है. तो अब चैटर बॉक्स पे दे दिया कि जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसके ऊपर ऐसे लिख के लाओ. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. तो फिर ये भी बोल रही है कि एक बातूनी, अब आप उसके बारे में क्या लिख सकते हो बातूनी के बारे में. आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड. लेकिन अब मैं क्या था कि मैं उसके बारे में अब चिंतित हुई कि यार मैं क्या लिखूंगी इसमें. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. जॉटेड डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, लिखना. तो मैंने क्या किया कि जो टाइटल था उसको अपने नोटबुक में लिखा, टैक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. और फिर उस नोटबुक को अपने बैग में रखा और फिर शांत रहने की कोशिश की. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क. और उस इवनिंग में, उस शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. तो जो एसे दिया था उन्होंने सर ने, उसको जो मैंने नोट लिख लिया था अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लिया था, तो अब वहाँ पे मेरी नज़र गई. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये सोचते सोचते मैं अपने पेन की, फाउंटेन पेन की निब जो थी, टिप जो थी, उसको चबाने लगी. बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि जब वो कुछ सोचते हैं या कभी कभी पढ़ते पढ़ते भी कुछ सोचने लग जाते हैं, तो अपने पेन का जो पार्ट रहता है, पीछे वाला पार्ट, अक्सर उसको दांत से चबाने लग जाते हैं. एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द बर्ड्स. तो रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, ठीक है. रैम्बल ऑन मतलब कि किसी भी मतलब बात पे बिना किसी काम के बात किए इधर उधर की बातें करते जाना, ठीक है, एमलेसली करना, तो उसको बोलते हैं रैम्बल ऑन. तो क्या है कि जब इस तरह से उन्होंने मेरे को टॉपिक दे दिया, तो अब क्या होता है कि कोई और होता तो वो क्या करता कि वो रैम्बल ऑन करता, मतलब इधर उधर की बातें लिखना इसमें स्टार्ट कर देता, और क्या करता, बड़े बड़े जो स्पेस
छोड़ देता, मतलब वर्ड्स के बीच में दूर दूर को लिखता अक्षर, कि ताकि पेज जल्दी भर जाए। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा लिखूँ, कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें, जिससे ये बात प्रूव हो जाए कि जो बातें करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसरी है बात करना। तो ये ऐसा कुछ लिखना चाह रही थी। आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली हैड एन आइडिया। मैंने इसके बारे में सोचा, बहुत सोचा, और अचानक से मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर केजिंग हैड असाइंड मी। तो मैंने 3 pages लिख दिए उस जो मिस्टर केजिंग ने जो मुझे टॉपिक दिया था उस पर मैंने 3 pages लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं अपने आप सब सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और मैंने आर्ग्यू किया इस बात को लेके, ये सर से लिखा मतलब उसमें, कि क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो बोलना तो उनकी एक आदत है, उनकी एक ट्रेट है। दैट आई विल डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो ये अपने बोलने की आदत है इसको एक अपने कंट्रोल में रखूँ, बहुत ज़्यादा ना बोलूँ, ऐसा उसने लिखा उसमें। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट, नॉट मोर देन दैट्स दे आर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है कि वैसे वो आदतें जो आपको अपने माँ बाप से मिलें, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो इनहेरिटेड चीज़ें हैं, तो पहले तो उसने बताया कि हाँ भाई देखो, बच्चों को बात करना जो है वो तो बच्चों की एक आदत होती है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे ज़्यादा बात ना करूँ, लेकिन मेरी एक जो एक हैबिट है वो क्या है कि वो मुझे को अपनी माँ से मिली है, वो इनहेरिटेड है। वो क्या है कि मेरी माँ भी इतनी ही बात करती हैं मेरे जितनी, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं करती हैं तो मेरे जितनी बात तो करती हैं। तो अब मैं उसको कैसे ठीक करूँ, वो तो इनहेरिटेड है, वो तो ठीक नहीं हो सकती। मिस्टर केजिंग हैड ए गुड लाफ एट दैट एट माई आर्ग्यूमेंट्स। तो मिस्टर केजिंग ने जब मेरी बातें सुनी, उनको उन्होंने मेरा आर्ग्यूमेंट सुना, तो वो काफ़ी हंसे इस बात पे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन फिर जब मैं अगले लेसन में बात करने लगी, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे और लिखने को दे दिया, सेकेंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। तो इस बार जो उन्होंने ऐसे दिया मुझे, वो दिया इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स पे, ठीक है। तो इनकॉरिजेबल का मतलब यहाँ पे दिखा रखा है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड यूजली ए बैड क्वालिटी। इनकॉरिजेबल मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि ठीक नहीं की जा सकती, और ज़्यादातर ये बुरी आदतों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब उन्होंने एक तरह से सीधा सीधा कह दिया था कि भाई जो तुम बात करती हो ये बहुत ज़्यादा गंदी आदत है, अब तुम इसके ऊपर ऐसे लिख के लाओ कि ये तो एक गंदी आदत है और इसको अभी ठीक ही नहीं किया जा सकता, बातें करना एक गंदी आदत है इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर चैट मतलब आप ऐसे लिख के लाओ। आई हैंडेड इट एंड मिस्टर केजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। तो इसने क्या किया, फिर से ऐसे लिख दिया, और मिस्टर केजिंग फिर से थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गए इसकी बातों से, और उन्होंने क्या किया कि 2 lessons तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, ठीक है, 2 lessons तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd lessons ही वुड फाइनली हैड इनफ, और क्या हुआ, लेकिन जब 3rd lesson में मैं फिर बात करने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो बहुत हो चुका है। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट ऑफ टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो उन्होंने क्या किया कि देखो एन फ्रैंक अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब तो मैं एज ए पनिशमेंट के रूप में, जो क्लास में तुम इतनी ज़्यादा बात कर रही हो ऐसे पनिशमेंट के रूप में, अब तुम्हें एक और ऐसे लिखना है, और वो किस बात, वो टॉपिक क्या होगा उसका, ये टॉपिक है उसका, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है। तो इस पर अब यानी अब उन्होंने 3rd essay दे दिया है उनको लिखने के लिए। द क्लास रोड, तो ये बात सुन के जब उन्होंने ऐसा बोला तो पूरी क्लास एकदम जोर से हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई नियरली एडजस्ट माई एंजनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, लेकिन क्या हुआ कि भले ही मैं मतलब मैं हंसी, लेकिन क्या था कि जो मेरी इंजेनिटी थी, जो मेरी वास्तविकता थी, जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, जो मैं लिख रही थी चैटर बॉक्स के टॉपिक में, वो अब एकदम खत्म हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी।
इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और अब मुझे किस कुछ और ऐसा कुछ लाना था जिससे मिस्टर जो किजिंग है वो सेटिस्फाई हो सके. समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल होना चाहिए था. माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोइट्री, तो मेरी फ्रेंड सैन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय. तो उसने जो इसकी फ्रेंड थी उसने इसको ऑफर किया कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और तुम्हारा एसे को शुरू से लास्ट तक लिखने में मदद करूंगी और एक ये वर्स के फॉर्म में होगा. वर्स मतलब जैसे पोइट्री रहती है राइमिंग स्कीम होती है, तो राइमिंग स्कीम के फॉर्म में रहेगा ये. मिस्टर किजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट. तो मिस्टर किजिंग जो थे वो एक ये अजीब से रिडिकुलस से सब्जेक्ट से कहते मेरे ऊपर जोक बनाना चाह रहे थे, बट आई हैड मेड श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. लेकिन मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से कोशिश की कि जोक जो है वो मेरे ऊपर ना बने, जोक जो बने वो मिस्टर किजिंग के ऊपर बने. ठीक है, मतलब वो ही डाउन शो हो, ये साबित कर दें उनको कि भाई बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लास में. ठीक है, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. मैंने अपनी पोएम फिनिश की और ये एक बहुत ही सुंदर पोएम थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ थ्री बेबी डकलिंग्स. ये पोएम जो थी वो एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी और उनके तीन बच्चे थे, छोटे बेबी डकलिंग्स थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. और वो इतना ज़्यादा बात करते थे कि क्या क्या फादर ने उनको मतलब इतना ज़्यादा उनकी पिटाई लगाई कि वो मर गए. लकली मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे. लेकिन लकीली क्या हुआ, मिस्टर किजिंग ने जो मैंने जो जोक बनाया था इसमें उसको एकदम ठीक तरह से लिया. उन्होंने इसको अपने ऊपर नहीं लिया, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं उनको स्वान कह रही हूँ और अपने आप को वो बच्चे कह रही हूँ और उन्होंने इतना मारा कि शायद मैं मर जाऊँ, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा. उन्होंने जोक को एज अ जोक ही लिया, ठीक से लिया. ही रीड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने पूरी क्लास को पोएम पढ़ के सुनाई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और इसमें अपने जो कमेंट्स भी डाले उन्होंने, जैसे बताया कहीं कुछ गलती है तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उन्होंने उसमें अपने कमेंट्स भी दिए. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और काफ़ी सारी दूसरी क्लासेस में जाके भी उन्होंने मेरी पोएम सुनाई. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद मुझे बात करने की आज़ादी दे दी गई. एंड हैवन्ट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया. ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, और इसका विपरीत असर क्या हुआ, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट है, तो इसका अपोजिट एक असर क्या हुआ कि अब मिस्टर किजिंग ही चेंज हो गए हैं. तो पहले तो बताया था ना कि बड़े एक पुराने विचारों वाले थे वो, लेकिन अब क्या किया कि वो ही अक्सर जोक करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, ये तो नहीं सुधरी, और बल्कि इसने उनको भी अपने तरह बना दिया, थोड़ा उनको भी उनकी आदतें थोड़ी सी चेंज कर दी. अब वो जोक वो करने लग गए, पहले बहुत सीरियस रहते थे वो. योर्स एन, तो यहाँ पे ये वाली कहानी ख़त्म हो जाती है. योर्स एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट अडेप्टेशन. तो ये कहानी जो है दो द डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम की जो बुक है उससे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट की गई है, थोड़ा सा पार्ट लिया गया है, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है. आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.